लगती नहीं कि अपन 350 cc लेके चल रहे हैं, एकदम लाइट वेट की। हाँ ठीक है, जब आपकी जरूरत है आपको पावर मिलेगी, आप इसको लेके जाओ। सो वेल, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो अपने सामने है एक न्यू रॉयल एनफील्ड की क्लासिक रीबॉर्न, जो अभी नया हुई हमारे राज भाई की है। सो राज भाई, वेलकम टू अवर चैनल। सो अभी हम जस्ट मिले ही थे, यहाँ बैठे हम चाय पी रहे थे, तो मैंने इनसे बात बात करी कि भैया एक बार आप मेरी हाइनेस चलाइए, और एक बार कंपेरिजन रहेगा कि आपको नई वाली आरी से हाइनेस में अगर जो यूज़र अगर चलाता है तो उसको क्या डिफरेंस लगता है, क्या उसको कमी या खूबी जो है वो रिव्यू लेंगे। तो अभी भैया जो है चला के लाएंगे अपनी बाइक को एक बार, और इनसे हम रिव्यू लेंगे भैया आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा बैठ। सो भाई राज, एक बार आप प्लीज़। हाँ हाँ सेम वही, एक नीचे बाकी ऊपर। एकदम लाइट पीछे में आप करकर आवाज आ रही होगी, इसके मैंने डिस्प्ले चेंज कराया है इसके, वही बट तो अभी शायद नए है ना, इसलिए करकर आवाज आ रही है अभी। कंपैरिजन टू आरी, हाँ बहुत लाइट, मतलब वेट वाइज या फिर क्या, लाइक हैंडलिंग जैसे अगर मेरी वाली की देखूं तो एकदम भारी फील होती है चलाने, हाँ चलाने वाली भी एकदम लाइट और स्मूथ फील हो रही है, स्मूथ फील हो रही है, उतना हैवी नहीं लगता। लाइक ट्रैफिक में अगर आप इसको चलाओगे तो उतना नहीं लगेगा कि कुछ हाथ में पकड़ा है, मतलब आपको मैनूवर करने में बहुत इजी लग रही है गाड़ी, मतलब बहुत इजी गाड़ी, इजी है मतलब ठीक है, मतलब चलाने में साउंड भी अच्छा है, मतलब थंब आ रहा है, थंब आ रहा है, और इतनी इजी है कि हाँ ठीक है आप आराम से ट्रैफिक में निकाल सकते हैं, वो भारी फिटनेस फील नहीं होगी, वो भारी लाइक जिनको रॉयल एनफील्ड में नहीं जाना चाहते, जिनको हैवी लगती है वो इस पे जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। रिकमेंड करोगे आप? मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल, जो 1 किलोमीटर चला के उसमें तो ये फील हो रहा है, बाकी लोगों की चॉइस है उनको क्या है। हाँ वो एक वो आता ना कि भाई रॉयल एनफील्ड का बात की, रॉयल एनफील्ड अपने पास इमोशन पे है, इमोशन है का इसको जो है वैसा, बाकी प्रैक्टिकलिटी अगर देखे तो हाँ मतलब अपन लाइट वेट है मस्त एकदम चलाने में, जो न्यू बिगिनर्स है उनको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि जिनको रॉयल एनफील्ड हैवी लगती है जो नहीं चला सकते वो डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं, पावर आपको बराबर मिलेगी मस्त चलाने में। बाकी आपको वो कैसा लगा इसका, जैसे आपने ये चलाते हैं अपनी तो इसके कंपेरिजन में इसका इनिशियल कैसा था? इनिशियल अच्छा था, पिकअप मस्त, पिकअप अच्छा था, मतलब आप लाइक यार देखो लाइक मैं अभी यहाँ पर कुछ दूंगा रॉयल एनफील्ड वाले, नहीं वो सही बात है, सही बात है, अब ये गाड़ी अपनी जगह है, अगर आप चलाना चाहते हो कोई डाउट नहीं, आप सिटी में आराम से चला सकते हो, हाईवे पर अभी तक चलाया नहीं, वो कभी और चलाएंगे बिल्कुल, सिटी में आप इसको चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। और ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी इसके अंदर जो अपना ब्रेक का जो देते हैं ना डिस्प्ले, गियर्स का जो अपने इसमें आता है, ये जो है ये मेरी वाली में नहीं है, तो मेरे को ये सही लगा, कभी बार इंसान भूल जाता कौन से गियर में हो, तो वाली चीज इसके अंदर सही है, बाकी तो गाड़ी एक नंबर है, चलाने में फील आता है, मजा आया। इसमें भी बिल्कुल अब मेरा तो खत्म सी हो गई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो है इसमें, वाइब्रेशन इस वाली में इसमें भी नहीं है, कंपैरिजन टू ओल्ड वर्जन उसमें होता था, बट ये काफी रिफाइन है, बट ये चलाने में लगता है कि आप कुछ चला रहे हो, इसमें चलाने में कि पावर आपके पास है बट आपको फील नहीं होगा, लाइटली आराम से ट्रैफिक में स्मूथ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसका मतलब कहते हैं कि चलाने में ये थोड़ी आपको फील होती है भारी हैवी लगती है कि कुछ चला रहे हो आप, हैवी गाड़ी चला रहे हो, इसमें कि आपको पावर भी मिलती है पर हल्की सी, बैठे हैं आपके पास पावर है, आप जैसे बटन दबाए आप ये निकल वाली वो बादल आराम से बस पानी पे चल रहा है वैसा वाला, गाड़ी एकदम लाइट लगी मेरे को, मतलब 350 या 300 cc, 350 ये सेम 350 पर लगता नहीं कि 350 सेम 21 horsepower सेम बस, ये लगती नहीं कि अपन 350 cc लेके चल रहे हैं, एकदम लाइट वेट की। हाँ ठीक है, जब आपकी जरूरत है आपको पावर मिलेगी आप इसको लेके जाओ, अच्छा जब लग रहा है कि हाँ ठीक है आराम से निकले वो वाला फील। सो भाई ये था अपना छोटा सा एक वीडियो रिलेटेड टू दी ओनर का कि भाई उनको कैसा लगता है इनफील्ड अगर चलाते हैं साथ में, अगर हाइनेस चलाते हैं ताकि जैसे रॉयल एनफील्ड का, तो एक और गई आपको हर जगह देख रहे होंगे, सबका होता है अगर किसी को लॉन्ग टर्म लेना होता है तो रॉयल एनफील्ड पे जाता है, क्योंकि आप इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ है कि अभी आई 2-3 साल के अंदर तो लोगों को अभी भी थोड़ा लगता है कि नहीं यार इसको थोड़ा 5 साल बाद में सबका होगा कि हाँ ठीक है, जैसे अभी डोमिनार का था उन्होंने किया था रॉयल एनफील्ड के साथ कंपैरिजन, तो डोमिनार 400 फिट गई है वो इमोशन के साथ खेल गए, वो सही बात, लेकिन सही ट्रैक पे चलेंगे तो ये गाड़ी भी निकल, गाड़ी अच्छी है। चलो थैंक यू सो मच राज जी इस छोटे से वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो गाइस राइड सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग में, टाटा बाय बाय।